बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिन चार दरिंदों को लेकर के देश में गुस्से का उबाल है, जिन चार दरिंदों को फांसी देने की मांग पूरा देश कर रहा है, उन्हीं दरिंदों से मिलने के लिए भाजपा के सांसद पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में भाजपा के सांसद राजवीर सिंह पहुंच जाते हैं अलीगढ़ की जेल में, उस जेल में जिस जेल में चार दरिंदे बंद हैं। और भाजपा के सांसद कहते हैं, मैं तो चाय पीने गया था जी, मैं तो मिलने के लिए नहीं गया था। इस चाय के नशे ने 2014 से देश को ऐसा झकझोर रखा है कि कोई भी मुद्दा हो बीच में चाय आ ही जाती है। किस तरह से भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर सिंह की ये हिम्मत हो गई, कितनी दिलेरी जो है उनमें आ गई कि वो बलात्कारियों के सम्मान में बलात्कारियों से मुलाकात के लिए जो है मिलने के लिए पहुंच जाता है। पंजाब केसरी में एक खबर छपी है, हाथरस गैंगरेप के आरोपियों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। एक तरफ लोग दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का शर्मनाक चेहरा देखने को मिला। खबरों के मुताबिक स्थानीय बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर रविवार को आरोपियों से मिलने के लिए जेल गए थे, लेकिन जेलर ने कमरे से ही बैरंग लौटा दिया, खाली हाथ लौटा दिया। जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई, बीजेपी सांसद लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर ने आरोपियों से मुलाकात करने की कोशिश का खंडन किया है। अब आप खुद सुनिए राजवीर दिलेर कितनी मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि वो तो चाय पीने के लिए जेल के अंदर गए थे, जेलर से मुलाकात करने के लिए गए थे, वो बलात्कारियों से मिलने के लिए नहीं गए थे। एक बार खुद से सुनिए कि वो जेल में नहीं गए थे, बल्कि वो किसी काम से, क्षेत्र की जनता के किसी काम से एसएसपी से मिलने गए थे। और जब एसएसपी कार्यालय में गए तो उन्हें पता चला कि एसएसपी को कोरोना हुआ है, वो क्वारंटीन में है, इसलिए जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में जेल पड़ती है और जेल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, वो वहां पर रुक गए। जब वो वहां पर रुके तो जेलर साहब खुद जेल से चल करके बाहर आ गए और उनसे आग्रह किया कि साहब आप आइए हमारे यहां पर चाय पीजिए। जेलर के इस आग्रह पर मैं जेल के अंदर चला गया और जेल के अंदर जाकर के मैंने चाय पी और उसके बाद में कैदी के आचरण को सही बता करके मैंने महामहिम से लेटर भेजने की जो है वो बात कही। आप बताइए कि जेलर साहब से जो है वो बीजेपी के सांसद किसी कैदी के आचरण को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी सांसद का आचरण है, जिस तरह से वो दरिंदों से मिलने के लिए जेल पहुंचे हैं, क्या ये सही है? क्या जनता को ये बात गले उतरती है कि बीजेपी सांसद मात्र एक चाय पीने के लिए जेलर साहब की चाय पीने के लिए जेल के अंदर गए होंगे? क्या ये बात किसी को गले उतरेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सांसद जो है वो घिर गए हैं और घिरने के बाद में ही उन्होंने इस तरह की कहानी जो है वो बनाई है। लेकिन ये कहानी कितनी जनता को गले उतरती है, कितनी जनता इस पर विश्वास करती है, ये तो आप खुद से तय कीजिए। वहीं पर हाथरस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार एक नया ही एंगल लेकर के आ गई है। हाथरस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि इस्लामिक देशों की तरफ से भारत के अंदर जातीय दंगे करवाने की एक कोशिश हो रही थी, एक षड्यंत्र हो रहा था, और जिसको लेकर के जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई और इस वेबसाइट में इस्लामिक देशों की तरफ से फंडिंग की गई। और इस वेबसाइट को जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नजर पड़ी तो रातों रात बंद कर दिया गया। और इस वेबसाइट को लेकर के सरकार कह रही है कि पीएफआई और एसडीपीआई का जो है इसमें हाथ है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। आप बताइए कि अब इसमें जो है हाथरस के मामले में हिंदू मुसलमान का एंगल भी आ गया है और विदेशों से जो है वो फंडिंग का मामला भी जो है वो अब सामने आ गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का हाथ होना जो है वो इसमें सिद्ध करना बाकी है। आप बताइए कि एक वेबसाइट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये थ्योरी बता रही है। अगर ऐसा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक क्या कर रही थी, ये सवाल खुद उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा जाना चाहिए। या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो हाथरस के मामले में चौतरफा घिर गई थी और अब जो है इस पूरे मसले से बाहर निकलने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये कोई नया पैंतरा चला है, इस बात को अभी देश की जनता को परखना बाकी है। क्या आपको वाकई लगता है कि देश में जातीय दंगे कराने की जो है वो इस्लामिक देशों की तरफ से वाकई कोई कोशिश चल रही है, जिस प्रकार की बातें जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है, या जिस तरह से वहां पर खुलेआम जो है
खास संगठनों के नेता पहुंच करके जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से जातियों के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जातीय हिंसा कराने की कोशिश है या एक वेबसाइट के जरिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है इस्लामिक देश जो है वो भारत के अंदर हाथरस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जाति हिंसा कराने की कोशिश कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को ढकने के लिए कोई नया मुद्दा लेकर के आई है, आपकी राय क्या है? और जिस तरह से जेल के अंदर पहुंचे हैं बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर, इन दोनों मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।